हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली के जनकपुरी विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजेश ऋषि जी इस वक्त हमारे साथ हैं। राजेश ऋषि जी, अभी रोड शो होने वाला है, अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले हैं आपका प्रचार करने के लिए। क्या कुछ लगता है, कैसी परफॉर्मेंस रहेगी आपकी, कितनी सीटें आपको ओवरऑल मिल पाएंगी? देखिए, हमारी जो 67 सीटें थी पिछली बार, इस बार हम उसका रिकॉर्ड तोड़ेंगे और जनकपुरी में जितने वोटर जीते थे उससे ज्यादा वोटर जीतेंगे इस बार, क्योंकि जनता बीजेपी के वादों से दुखी है और हम तो काम पे वोट मांग रहे हैं। हमने काम बहुत किए। आप जिस सड़क पे खड़े हैं, ये सड़क जर्जर हाल में थी, ये हमने बनाई, इसमें लाइटें लगवाई, डिवाइडर डाले, नाले बनवाए, इसके यहाँ की जितनी गलियां हैं सारी पक्की हो चुकी हैं, सब में शिवर लाइन डाली जाई है, सब में पानी की लाइन डली है। यहाँ पानी नहीं आता था, टैंकर की मारामारी होती थी, आज सबके घरों में 3-4 घंटे पानी आता है और स्थिति ऐसी है कि लोग खुश हैं यहाँ पर। यहाँ काम करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है हमारे पास, कुछ काम करने के लिए नहीं बचा है, सारे वादे पूरे हो चुके, सारे वादे पूरे कर चुके हैं। अब एक वादा है जो हम मोहल्ला क्लिनिक के लिए ढूंढ रहे, जगह ढूंढ रहे थे, मिली नहीं। अब सरकार प्राइवेट मकानों में बना रही है तो वो सर, जब यहाँ की बात की जाए, जनकपुरी की बात की जाए, तो प्रोफेसर जगदीश मुखी जो हैं वो लंबे वक्त से यहाँ जीतते रहे हैं, इसको बीजेपी का गढ़ जनकपुरी को माना जाता रहा है। आपसे पहले बीजेपी ही जीतती रही है, तो इस बार आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी ओवरटेक कर लेगी आपको? बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने पिछली बार ईमानदारी के लिए वोट मांगा था और मैंने बड़ी ईमानदारी से काम किया है, कोई आप मेरे पे ब्लेम नहीं लगा सकते। मैंने हर आदमी का काम किया है। आज बीजेपी के लोग भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ हैं और आम जनता हमारे साथ है। लगता है कि आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो इतना सैटिस्फाई लोगों को करेगा कि जनकपुरी की जनता आपसे खुश होकर आपको वोट देगी? जनकपुरी जनता बिल्कुल तैयार बैठी है। कौन कौन से काम है जो आप अपने श्रेय में लेना चाहते हैं कि आपने किए हैं? देखिए, इस कॉलोनी के अंदर इसका सारा विकास ही हमने किया है। यहाँ टूटी गलियां थी, शिवर लाइन थी नहीं, नल में पानी आता नहीं था, टैंकर से लोग लड़ते थे, ये हमने किया। 24 घंटे लाइट दी, नए ट्रांसफार्मर लगाए, लाइटें लगाई, हमने सीरियो को पूरा चमकाया है। सीतापुरी वार्ड जिसमें मुखी जी कभी आते नहीं थे, उनका तो यही कहना होता था कि यहाँ पे हमारे बर्तन साफ करने वाले लोग रहते हैं। सर, लगातार जो अपोजिशन है उनका ये आरोप रहता है कि आपने 4.5 साल कुछ नहीं किया, जो कुछ काम किया है वो 6 महीने में किया है। बिल्कुल गलत बात है। मैंने आते ही यहाँ पर, जैसे मैं जीता मुश्किल से 6 महीने बाद से मैंने यहाँ शिवर लाइन डालना शुरू कर दी थी, वरना इतना बड़ा वार्ड 6 महीने में कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। इस सड़क को बने में लगभग 2 साल हो गए जिसपे आप खड़े हैं, ये हमारे द्वारा बनी थी। हमने इस वार्ड को लगभग 6 महीने पहले कंप्लीट कर दिया था। आज 6 महीने पहले काम की बात कर रही है, हमने पहले ही कंप्लीट कर दिया था। यहाँ की जनता बहुत खुश है। अब जो आप दोबारा से उम्मीदवार बने हैं, क्या कुछ वादे आप जनकपुरी जनता को लेकर आए हैं चुनावी मैदान में, क्योंकि आपका कहना है कि सारे काम आपने पहले ही कंप्लीट कर दिए हैं, तो कोई ऐसा काम बचा है जो वादा लेकर आए हैं? देखिए, एक मोहल्ला क्लिनिक यहाँ बनाना है, उसके लिए जगह ढूंढ रहे हैं, जगह केवल एक मोहल्ला क्लिनिक इस एरिया के लिए, आगे 3 और बनने हैं, एक मनक बन गया है, उसका उद्घाटन होना है, तो ये सारे काम चल रहे हैं और यहाँ पर जनता की जो डिमांड रही हमने पूरी की है और अब यहाँ पर ऐसी कोई बड़ी डिमांड कोई नहीं है यहाँ पर होने वाली। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जनकपुरी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजेश ऋषि जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने जनता के सारे काम पूरे किए हैं, इसलिए वो आश्वस्त है कि इस बार भी आम आदमी पार्टी ही जनकपुरी सीट पर वापसी करेगी और विजय हासिल करेगी। कैमरा पर्सन चौको के साथ अजादगा सिंह, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।